આજે અંદર મુ આજે કે તો 2000 નો ભરાવશું તો આવે છે ગાયલ આશિક આ તો ગાયલ જ છે આજે રાત લો ગાડી મૂકી દેવાનો રિક્ષા લઈ કાર ઓડિયો આવ્યું કે નહીં જોવો તો થઈ ગયું છે લે કાર ઓડિયો આયેલું તમને ખબર છે 20 મિનિટ નું હોવું જોઈએ વ્લોગ ના અહિયાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું ઓડિયો વાળું કરી દે પાછું રાજસ્થાન જા રહે તો ગાઈસ ક્યું જા રહે વો નહીં બતાના હા નહીં અભી હમ નહીં બતાએંગે એક્ચ્યુઅલી કી એક્ચ્યુઅલી બટ હમે ભી યાદ નહીં કા ક્યું જા રહે રાજસ્થાન બટ અભી વ્લોગ બન રહા હૈ આપ લોગો કે એન્ડ તક દેખના પડેગા હમ લોગ ક્યું જા રહે રાજસ્થાન વસીમ બોલવા દે બંધ ગાડી મે પ્રોબ્લેમ નો 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 તો વાય ઓકે ચેક કરાયો પર હમ જા રહે થે રાજસ્થાન પૂરે 5 જણે વસીમ ભાઈ હે ઋતિક ભાઈ હે ઓર હે અરબાજ ભાઈ ઓર અમાર સાથ થે મેન દીપક ત્રિવેદી હમ 5 લોગ જા રહે થે તો આપ લોગ અમાર વ્લોગ મે જુડે રહેના લાસ્ટ મે તો કુછ ગરબડ હે દો શબ્દ વસીમ ભાઈ બોલેંગે વસીમ ભાઈ તો વોટ્સ અપ ફેમ્સ બહોત કુછ હોને વાલા હે બહોત કુછ હંગામા હોને વાલા હે ન્યુ ન્યુ ટીસ દેખને કો મિલેંગે હમારે નંદની જી એન્ડ બ્રધર ઇઝ લોન અરબાજ બ્રો એન્ડ ઋતિક બ્રો गुड मॉर्निंग तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7 निकले थे सुबह के 5 बजे डिस्टर्ब करना बनता ही है इनको डिस्टर्ब करना बहुत अच्छा लगता है गाड़ी बंद करती हुई खोल के मुझे कुछ नहीं चाहिए आपको क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए ये है वसीम भाई इनके फ्रेंड आए मिलने और उन्होंने हमें चाय पिलाई तो आपको क्या चाहिए नाश्ते में कुछ नहीं बस आपने बोला उतना बोलते यहाँ पे इसके बहुत सारे फ्रेंड है और इसको बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी इसके बहुत सारे फ्रेंड हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग हैं बनासकांठा मेहसाणा बहुत दूर दूर से आए हुए बनासकांठा ना फैन तो गाइस यहाँ पे हमको बहुत सारे फैन मिल चुके थे और हमारे वसीम भाई तो हम निकलते हैं यहाँ पे आगे आप हमारे ब्लॉग में जुड़े रहना क्या पहुँचे बड़ा वीडियो बनाया आपने बेहो क्या पहुँचा मायर मायर टोल टैक्स हाँ बराबर सो गाइस हम लोग आ गए थे पेट्रोल पंप ये थार इतना पड़ा है ना अब दिखा हाँ बन गया मेरा दिल दिल पेट्रोल का उल्टा है
यहाँ पे भी हो रहा है, पूरा थार हो चुका है। लोगों की तो हसीब बननी होती। हमारे वशीन भाई फोन में बिजी। अब हम नाटक हो बराबर ने फराबर बाजू नी साइड से डाबी साइड पहली बाजू जो बस एम नाम रिवर्स में पहली बाजू मिल दे रिवर्स में आ गया। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहां पे। रिवर्स जा दो रिवर्स से आ दे। ओ माय गॉड कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा सॉरी अभी नई एंट्री मार राजस्थान में। वेलकम टू राजस्थान, वेलकम टू यू राजस्थान। खड़े हुए कैसा लग रहा है आपको? इनकी जोड़ी कैसी लग रही है दोनों? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, इनकी भी नहीं। हम तीनों के लिए दुआ करो, अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए। और हम लोग अभी हम लोग पहुंच चुके सामला जी, जो शिवलिंग का टेम्पल बोलते हैं, माना जाता है, बहुत ज्यादा पूर्वजों ने बनाया हुआ और महान माना जाता है। और हम लोग अभी सामला जी टच होने की तैयारी है, फिर आगे जाएंगे देखेंगे तो रतनपुर बॉर्डर आएगा, वहाँ से हमारी राजस्थान की सीमा शुरू हो जाएगी। और फाइनली अभी हम लोग सामला जी पहुँचने की तैयारी है, जस्ट 5 मिनट और बोलेंगे। तो गाइस आप देखते रहना वो लोग। किडनैप किया हुआ था, मतलब रखा था, ये वाला महल को है। सो गाइस हम जहाँ पे आने वाले थे वो प्लेस पे आ चुके, और अभी आपको दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चलेगा कि क्या था इनमें। तो चलो गाइस चलते। मैच ग्राउंड हम आ चुके फाइनली। तो यहाँ पे मैच है, हम लोग देखने आए। अब देखते हैं क्या होता है एंड में, जो मैच देखने आए वो जीतते हैं कि नहीं। नमस्ते, थैंक यू ऋत्विक भाई। यहाँ पे मैच चालू ही है। ये ऋत्विक भाई और हेमंत भाई वहाँ जा चुके ग्राउंड में। देखो पता वसीम भाई है ना, खेल रहे वसीम भाई, खेल रहे ये। अरे ऋत्विक बोला जाने ने ये 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 ये
इतना धीरे नहीं चलेगा। पोलिंग कौन कर रहा है? आपका क्या नाम है? दीपक। और बेसमैन कौन है? बेसमैन आपका नाम क्या? So guys, यहाँ पे जो भी फाइनल जीतेगा उनको मिलने वाली है वो वाली ट्रॉफी। आपने देखी होगी नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताई है। तो गाइज अब जुड़े रहना, देखना ट्रॉफी कहाँ जाती है, किसके हाथ में जाती है, किसके हाथ में नहीं। ठीक है, और अभी चाल रही यहाँ पे सतीश, अरबाज भाई, त्रिवेदी और ऋतिक भाई, और वो लोग तो वहीं पे बैठे। कौन जीतेगा ये ट्रॉफी? अगर आप एक्स्ट्रा रन दोगे तो आपको काफी मैच से आपको बहुत दूर ले जाओगे। अगर मैच जीतना है तो अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छे कैच और एक्स्ट्रा रन नहीं लेना चाहिए। देखते इस लाइन पे भोपाल सिंह क्या करते हैं। हल्के कदम से बॉल रनिंग लेते हुए, ये क्या, ये कौन सी बॉलिंग है तुम्हारी? ये बॉलिंग का नाम क्या है? ये बॉलिंग के कौन सा नाम दोगे तुम? ये बॉलिंग का नाम है दया स्टाइल। दया स्टाइल आखिरी विकेट बची है। और ये दया भाभी ने अपनी आखिरी गेंद डाली अपने अलग अंदाज में। नटू काका को याद करने दो, ऐसा बोल रहे हैं। जोर से बोल। नमस्ते श्यामपुरा वासी। तो ये देखो इनकी बैटिंग आई हुई है। इनको क्या पता कैसे खेलेंगे ये। हम पहले नहीं रमना था इनको, पर कोई बात नहीं। अरे वो एक बोल दिया ना कल, ये हमारे वसीम भाई मुंह पे पहन रहे, उनका मुंह ना टूट जाए इसलिए हम। हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस अभी वन डाउन में जाने वाला हूँ, अच्छी बैटिंग करने वाला हूँ। तो गाइस अभी पहली बॉलिंग होने वाली है। इस साइड दीपक त्रिवेदी खड़े हैं, उधर पता नहीं, और पहली बॉलिंग स्टार्ट हो गई है। ओ नो, पहली बॉलिंग क्या गई? पहली बॉलिंग अजू चल चल, पहली बॉन्ग बहुत फास्ट थी, आउट स्विंग थी, बैट्समैन को पता ही नहीं चला इधर गई किधर, बैट्समैन को उतना ही पता ही नहीं ये बॉल। ओके चलो, ये कितनी फास्ट बॉल आ रही है। सही पांच रन चौको मारो, चौको मारियो नहीं तो पांच रन एक्स्ट्रा रन। ओहो एक्स्ट्रा रन चौको मारो तो आउट है तुम। मजा यार आउट ना बोल जो तुम्हें बस मन गवर दिया यार, बॉलिंग ये भी ना कर जैसे कि तुम्हें आज से जो आ रहा है जो मन दिमाग पग ना लीधो तुम पागी जाता हॉस्पिटल तो गाइस हमारे हम जीत चुके, कोई जीता नहीं अभी, बाकी बॉलिंग ये आ चुके बैटिंग करके। लाला वीडियो आपने देखा ही होगा क्या हुआ था, अभी फाइनल में पता चलेगा कौन जीतेगा मैच, कौन हारेगा। अभी बाकी हम लोग हमारे अहमदाबाद की मेहनत पानी में जाएगी या फिर हम लोग जीत का मजा लेके जाएंगे। सही बात है। हमने पूरे कितने रन बने भैया? I think 85 रन बने हमारी टीम के। अब बॉलिंग आ चुकी है और हमारे दीपू सबको अजय भाई और विपिन भाई जो हमारे ऑस्ट्रेलिया मैच का मुझे पता बता रहे कि सबको कहां कहां खड़े रहने का। हमारे
वहां पर बॉल गेंद करके बैट्समैन को खींचना, लेकिन डायरेक्ट फुटर्स बॉल वहां फील्डर मौजूद, रन आउट हो सकता है, लेकिन बॉल बॉल वहां पर गच्चा फील्डिंग वहां पर ये हारते हुए। तुम्हारे पीनी है चाय? नहीं चाय नहीं पीनी मुझे। उनका भागने का स्टाइल पे तो मेरे को हंसी आ रही है देखो। पर ये बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं देखो। ओ बाप। सो गाइस 24 बोल रहे हैं, उनको 33 रन चाहिए और हमको बिल्कुल सीरियस खेलना पड़ेगा। विकेट 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 लिवर जजेल डॉट कार्ड बद्दात बोल दे गुल्ली गुल्ली कैच कैच है। यस बॉलिंग बॉलिंग तीन मामू लग गए हो। डांस नहीं करना, जीता बजे डांस करो ना भाई। चार गेंद तीन रन करते हैं आपको क्या लगता है? एक गेंद एक रन चाहिए, देखते हैं कांटे का मुकाबला होने वाला है। बहुत जितनी तारीफ है पॉइंट वाले फील्डर की, बहुत अमेजिंग गेंदबाजी की है। तुम भी खड़े हो जाओ। अभी नहीं देखते, अगर जीतेंगे तो खड़े होंगे, नहीं होंगे तो यहाँ बैठे रहेंगे। क्लियर पानी में कंसंट्रेशन। अंपायर की जगह थोड़ा यूं आ जाने। क्लियर मदद तो गाइस सुपर ओवर हो चुका है। अब 6-6 बॉल की गेम है, अब देखते कौन जीतता है कौन नहीं। पासों के फील्डर एक लगा हुआ रहते नहीं बोला है। फाइनली लास्ट वेटिंग आ चुकी है हमारी, उसमें 6 बॉल में 5 रन चाहिए हमें, देखते हैं अब एंड में क्या होता है। 4 रन हो गए और 1 विकेट भी निकली तो भी हम जीतेंगे, 5 बॉल हो गए तो भी हम जीतेंगे, अब देखते रहे एंड में क्या होता है। बहुत ट्विस्ट है, बहुत ज्यादा ही ट्विस्ट है ये। यहाँ हमारे और हमारे बाहर से मेहमान आए हुए पूरे फैन, आरसीबी के फैन पूरे निराश होते हुए, और चेन्नई का खेमा एक जगमगाता हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन, गलती हमारी बॉलिंग का मत हमारी खिलाड़ियों की क्योंकि उन्होंने सीधा चौका छक्का मारने का इरादा लिया। नंदिनी ठाकुर पूरे नाराज हो चुके हैं क्योंकि मैच हार चुके हैं, पूरे नाराज, आंखों में नमी है। हमारे ऋतिक भाई की आंखों में नमी है, अरबाज भाई की आंखों में नमी है, और मेरी आंखों में भी थोड़ी हल्की सी नमी छकल रही है। अरे एक मिनट शांति रखो। सो गाइस आपने देखा होगा मेरा फुल व्लॉग, ऐसे बाहर से पोस्टर से तो कुछ अलग ही लग रहा था, पर आपने देखा अंदर आके तो सच्चाई कुछ और ही थी। तो ये करना पड़ता है हम लोगों को क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं आते हो वीडियो देखने, आप इतनी बड़ी ट्रॉफी देख के मेरे वीडियो देखने आए। हाँ और वीडियो में था कुछ और ही, ठीक है। तो गाइस जैसा ये वीडियो में सपोर्ट कर रहे हो वैसे आगे वाले मेरे व्लॉग में सपोर्ट करते रहना, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, सेकंड व्लॉग में इससे ज़्यादा मुझे व्यूज़ चाहिए। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, आई लव यू।